नमस्कार, मैं जेपी सिंह हाजिर हूँ प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम को लेकर, जिसमें बात होती है खेती किसानी की, किसानों के विकास की और खेती की नई तकनीकों की। आज हम उन किसानों की बात करेंगे जिनके खेत के आकार छोटे होते जा रहे हैं और लाभ का दायरा घटता जा रहा है। चाहे कोई भी किसान हो, केवल एक से दो फसलों की फसल पर निर्भर रह के वो अपनी आज के समय में आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता। इसके लिए उसको दूसरी तकनीकों की तरफ जाना होगा। हम आज ऐसी ही तकनीक लेकर आए हैं जिससे कि उनके लाभ का दायरा बढ़ सके। आज हम खेती में इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी एकीकृत खेती की बात करेंगे, जिससे आप एक खेत में कई तरह की फसलें उगाकर आप साल भर रोज इनकम कमा सकते हैं। साथ ही साथ इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आप डेयरी, मशरूम पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बत्तख पालन जैसी और भी विधियां अपनाकर उतनी ही जमीन से आप बहुत अपना लाभ का दायरा बढ़ा सकते हैं। तो आज हम इसी तकनीक पर बात करेंगे, क्योंकि देश में अपने किसानों की हालत बहुत खराब होती जा रही है। चिंतित तो सब हैं, लेकिन इसका निवारण क्या हो ये बताने वाला बहुत कम लोग हैं। तो आज हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर बात करेंगे, जिससे कि हमारे देश के किसानों के हालात में सुधार हो। देश के किसानों की हालत से सभी लोग चिंतित दिखाई देते हैं। एक तरफ तो युवा पीढ़ी का कृषि से मोह भंग होता जा रहा है, दूसरे कृषि में लगातार हो रहे नुकसान ने भी किसानों की बिल्कुल कमर तोड़ दी है। लगातार प्राकृतिक और व्यापारिक मार झेल रहे किसानों के लिए यह एकीकृत कृषि प्रणाली किसी वरदान से कम नजर नहीं आती। लगातार महीनों अपनी फसल के साथ मेहनत करने वाले किसानों की फसल कभी बाढ़ कभी सूखे से जब बर्बाद होती है, तो उस पीड़ा का अंदाजा लगाना सहज नहीं है। खास तौर पर छोटे और मध्यम किसानों के लिए तो ये स्थिति और भी भयानक हो जाती है। ऐसे में एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर किसान किसी एक फसल के बर्बाद होने पर भी साथ बोई दूसरी फसलों से भी अपनी आजीविका आराम से चला सकता है। खाली जीवन चल पाता, इसमें बर्ताला कुछ नहीं होते। घर से लगा दो तब भी एक ही कुछ नहीं मिलता है, और बाजी फिर जब मिल जाता है तो बस अनेक पर जाता है, तो बाकी बाजी में लग जाता है। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि क्या हम कृषि छोड़ के दूसरे सेक्टर में यदि काम करते हैं तो उसकी अपेक्षा आपको फायदा ज़्यादा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है न। एकीकृत कृषि प्रणाली की खासियत भी यही है कि किसान यहाँ पर जमीन के छोटे टुकड़े पर भी अधिक से अधिक फसल और जीविका के लिए आवश्यक चीजें जैसे फल, सब्जी, मछली, मुर्गी, गाय, भैंस, बत्तख पालन, बायोगैस प्लांट आदि का उत्पादन और पालन कर सकता है। इस कृषि की खासियत भी यही है कि किस प्रकार से आप अपनी लागत कम करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उपरोक्त सभी चीजें कहीं न कहीं एक दूसरे के काम आती हैं, जिससे लागत का प्रतिशत कम हो जाता है और मुनाफा बढ़ता है। साथ ही मवेशियों के दुग्ध उत्पादन और मछली, मुर्गी और बत्तख के अंडों और मांस की बिक्री से किसानों को अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। साथ ही इन सब के एक साथ पालन से प्रकृति चक्र भी सुचारू चलता है। हमारे जो किसान भाई हैं जिनके पास एक हेक्टर से कम क्षेत्रफल है, वो जो है करीब आपका जो है 64-65% के आसपास आते हैं, और एक से दो हेक्टर जिन किसानों के पास है वो करीब 16-17% के आसपास आते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि केवल गेहूं धान पद्धति से आपकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, उसके अलावा जो समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल है उसका अल्टरनेटिव सबसे बढ़िया, जो कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ी हमारे एक कृषि में आपका, जैसा कि आप देखे होंगे हमारी दिन प्रतिदिन जोत जो है कम होती जा रही है, आपका केवल 2.4% जो है हमारे इंडिया में जो है जमीन या लैंड है या भूमि की बात कर लीजिए, 4.5% आपका ताज़ा पानी है, और ग्लोबल पॉपुलेशन का 17% जो है इंडिया में पॉपुलेशन है। तो इन सब लोगों को जो है संतुलित पोषण सुरक्षा की हम बात करते हैं कैसे दी जाए,
उसके लिए समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल के जो है हमारे किसान भाई जिनके पास एक हेक्टर एरिया के आसपास है या उससे कम है, आप इसको स्थापित कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हेक्टर क्षेत्रफल में हमारे किसान भाई करीब करीब जो है 7000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल या 0.7 हेक्टर क्षेत्रफल में आप फसल उत्पादन ले सकते हैं। जैसा कि फसल उत्पादन में आपका जो है धान वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, सब्जियां हैं और एवं फूलों की खेती जो है सीजन के हिसाब से हमारे किसान भाई आप ले सकते हैं। ये तो रहा आपका फसल उत्पादन। दूसरा इसमें मछली पालन की हम बात करते हैं। 0.1 हेक्टर क्षेत्रफल में हमारा जो मछली पालन का हम करते हैं एक हेक्टर क्षेत्रफल के हिसाब से, और उसका जो उसमें हम मछली के जो बच्चे डालते हैं 2200 से लेकर 2500 जो फिंगरलिंग्स की हम बात करते हैं या एडवांस फिंगरलिंग्स की बात करते हैं, और इसी के साथ साथ उसके एक घटक है डकरी जो बत्तख पालन की हम बात करते हैं, ड्यूअल पर्पज है, और इस प्रजाति के नाम है खाकी कैम्बल जो कि एक साल में 280 से 300 अंडे पर डक जो है पर ईयर जो है देती है, और एक अंडे की कास्ट जो मार्केट में सेल होता है 10 रुपया प्रति एग है। तो और दूसरा है कि जितना तालाब के अंदर जो है मूवमेंट होती है वो एरेटर का काम करता है, उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन आपका अधिक से अधिक जनरेट होती है और उससे मछली की जो ग्रोथ होती है वो फास्ट हो जाती है। तीसरा है कि जो उसके बीट्स हैं मछली के खाने में प्रयोग होते हैं, जैसा कि आप देखे होंगे कि जहाँ भी हम मछली पालन करते हैं कई मछलियों को मिक्स करके तो तीन तरह रहती हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे कतला है, बीच में आपका रोहू है और सबसे नीचे आपका मृगल रहती है। तो इस हिसाब से इसके साथ साथ एक पोल्ट्री कंपोनेंट है, कुक्कुट पालन की हम बात करते हैं या मुर्गी पालन की बात करते हैं, तो एक हेक्टर क्षेत्रफल के हिसाब से हम 50 मुर्गियों को जो है रखने की क्षमता है, और उसके अनुसार आप देखेंगे जो भी उसका बीट्स है वो मछली के खाने के, क्योंकि उसके लिए अलग से कोई जो है जमीन की जरूरत नहीं है, वो तालाब के ऊपर ही स्थापित होता है, चाहे डक की बात करें चाहे मुर्गी पालन की हम बात करें, तो उसका भी अंडा 10 रुपये प्रति एक जो है एक अंडा होता है, और एक मुर्गी से करीब करीब 180 से 200 अंडे जो है हमारे किसान भाई ले सकते हैं। उसकी जो मुख्य प्रजातियां हैं आपकी असील है, दूसरा आपकी कैरी देवेंद्र है, रेड देवेंद्र है, आपका जो है असील इसका, तो इस तरह की जो प्रजातियां हैं मुर्गी के जो है नेकनेड है आप उसको ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे डेयरी, क्योंकि डेयरी भी हमारे किसान भाई जो है रखते हैं, तो एक हेक्टर क्षेत्रफल के हिसाब से 3 जो क्रॉस ब्रीड है गाय की संस्तुति की जाती है, और प्रतिदिन एक गाय से जो है हमको प्रतिदिन करीब 10 से 15 लीटर दूध का उत्पादन हो जाता है। तो 3 गाय रखने की व्यवस्था है, तो हमारे किसान भाई जो है कम से कम जो है औसत जो दूध का उत्पादन है 30 से 35 लीटर हमारे किसान भाई ले सकते हैं, और प्रति लीटर हमारा जो दूध सेल होता है बिक्री के लिए जाता है 50 रुपये लीटर के हिसाब से जाता है। इसी के साथ साथ क्योंकि डेयरी है तो उसे 2-3 चीज़ें हमारे किसान भाई और तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गोबर की खाद है जिसको हम FYM बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक उसके साथ साथ हमारा बायोगैस है 2 घन स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में है, और एक किसान फैमिली के लिए जो 5 से 6 मेंबर होते हैं हम लेके चलते हैं, 2 बच्चों को लेके चलते हैं, पेरेंट्स को लेके चलते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो 6 लोगों को हम लेके चलते हैं, और प्रतिदिन के हिसाब से हमको जो है आपको गैस जो है सुबह से लेके शाम तक आपको मिल जाती है, बाकी जो गैस बच जाती है तो आपको जो है एज ए बिजली के रूप में बल्बों को जलाने के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। उसकी जो सैलरी निकलती है वो बहुत ही उसमें आपका देखेंगे जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा चाहे सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा NPK के साथ होता है, तो वो मृदा के अंदर जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बहुत बढ़ा देता है। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाता है तो उससे उर्वरता भी आपकी बढ़ती है, तो उर्वरता बढ़ेगी तो उससे उत्पादकता आपकी बढ़ेगी। उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट हम उससे तैयार कर सकते हैं, आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट उत्पाद है, तो हमारे किसान जो है उससे वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं। प्रकृति की मार झेलते किसानों के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली किसी वरदान से कम नहीं है। एक प्राकृतिक आपदा की मार फसल पर पड़ भी जाए
तो दुग्ध उत्पादन, मशरूम और अंडे, मछली आदि को बेचकर वो अपने दैनिक आय को जारी रख सकता है। अगर पशुओं में कोई बीमारी हो भी जाती है तो उसे खेत में लगाए फल, सब्जी और अनाज से उसकी आजीविका सुचारू रूप से चल सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जो किसान सिर्फ धान और गेहूं की फसल बोते हैं उनका मुनाफा औसतन 60,000 रुपए एक मुश्त होता है, जबकि एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने से वही किसान रोजाना लगभग 2,000 रुपए और 3.5 लाख रुपए एक मुश्त कमा सकता है। साथ ही उसे अपनी घरेलू दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फल, सब्जी, औषधि, दूध, अनाज और गैस की जरूरत उसी खेत से रोजाना पूरी करके भी अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। यानी एक मुर्गे पर आपकी कितनी बचत हो जाती है? लगभग 700-750 रुपए। तो यानी आप साल भर में कितने मुर्गे बेच देते हैं? ये तो आइडिया नहीं है जी, क्योंकि आते रहते जाते रहते। अभी एक मोटा मोटी अंदाजा तो बताइए। लगभग 300-500। यानी आपका 300-400 मुर्गे आप बेचते हैं तो आपका मोटा मोटी साल में क्या बच जाता है? कुल खर्च काट के साल भर में क्या बच जाता है? वही है जी, आधे का खर्चा आ जाता है, आधा बच जाता है। आधे का खर्चा आ जाता है तो आधे बच जाता है, यानी तो कितना बचत होती होगी? 2.5 लाख, अगर 500 मुर्गे बेच दे तो 2.5 लाख रुपए मुझे बच जाते हैं। अच्छा, ये आप बताइए कि यदि धान गेहूं की खेती करते हैं और इतनी जमीन में धान गेहूं की खेती करते तो आपको क्या खर्चे आते हैं, क्या बचत होता है? धान गेहूं की खेती में ऐसा देखो, एक तो डीजल बहुत महंगा हो गया और जो मजदूर मिलते हैं वो बहुत हाई रेट लेते हैं, तो इससे गेहूं और धान की खेती में इतना नहीं बच पाता है जितना इससे बच जाता है। धान गेहूं की खेती अगर 10 बीघे में हम धान गेहूं बोए तो मुश्किल से 60,000 या 50,000 रुपया मुश्किल से बचेंगे। यानी आप किसानों का ये क्या मैसेज देना चाहेंगे कि धान गेहूं खेती के साथ साथ कुछ उसके साथ अलग से व्यवसाय अपनाएं, कृषि सह व्यवसाय अपनाएं जिससे फ़ायदा हो? हाँ जी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो बंदा जिस काम में कर सके वो अपना काम दूसरा करे, पोल्ट्री करे, पिग करे या गोट फार्मिंग करे, कुछ ना कुछ करे। एकीकृत कृषि प्रणाली किसान की रोजाना घरेलू जरूरतों को तो पूरा करती ही है, साथ ही नियमित रूप से रोजाना की कमाई का अवसर भी उपलब्ध करवाती है। देश भर से खेती की तरफ से हो रहे युवाओं के मोह भंग को भी इस कृषि प्रणाली ने दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। नियमित कमाई की गारंटी ने युवा पीढ़ी को दोबारा कृषि व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। एकीकृत कृषि प्रणाली कम लागत में अधिक कमाई का लाजवाब उदाहरण है। इसे अपनाकर छोटे किसान बेहतर स्थिति को पा सकते हैं। इस कृषि प्रणाली के बारे में जानने के लिए किसान भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र से जब चाहे तब संपर्क कर सकते हैं। साथ ही देश भर में चल रहे किसान विकास केंद्रों द्वारा भी इस तकनीक के बारे में जानकारी ली जा सकती है। दूसरी हरित क्रांति की ओर अग्रसर देश के किसानों के लिए ये योजना वाकई क्रांतिकारी दिखती है। एक ही खेत में एक साथ विभिन्न व्यवसाय के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की खेती का ये उदाहरण वाकई देश की कृषि व्यवस्था को बदलने का दम रखता है। देश की सरकार भी कृषि विकास का सपना भी इस एकीकृत कृषि प्रणाली से सच होता नजर आता है। साथ ही देश के युवा भी इस प्रणाली को व्यापारिक दृष्टि और नियमित आमदनी के स्रोत के तौर पर अपना सकते हैं। तो अभी आपने देखा एकीकृत खेती यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग आपके लिए कितना फायदेमंद है। इसी तरह हम प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम में नई नई तकनीकों की जानकारी देंगे जिससे आप अपनी खेती में अपनाकर लाभ का दायरा बढ़ा सकें, क्योंकि प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हमारे देश के किसान सशक्त, मजबूत और आर्थिक रूप से संपन्न हों, जिससे उनकी उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।